हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट क्लास। आज का ये वीडियो अपडेट क्लास के ऊपर कैमरे के द्वारा शूट करके अपलोड करा जा रहा है। ये वीडियो बेसिकली होगा एड्रेस के ऊपर कि आपको पोस्ट ऑफिस के ऊपर यानी कि इनवेलप्स के ऊपर किस प्रकार से एड्रेस लिखना है। इसे समझने के लिए हम लोग एक पेपर वर्क करेंगे। पेपर वर्क और इनवेलप्स के ऊपर आपको एड्रेस लिख करके इसी वीडियो में दिखाया जाएगा। आपको 100% समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अदर किसी प्रकार से कोई भी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होगा। साथ में आपको किस प्रकार से पोस्ट करना है ये भी इसी वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले हम लोग कुछ पेपर वर्क करेंगे। ये मैंने एक पेपर ले रखा है व्हाइट कलर का। देखिए, हम लोग को जब भी पोस्ट करने का ऑप्शन आता है, पोस्ट कहने का मतलब कुछ भी भेजना, चाहे वो एक लेटर हो या पार्सल हो या फिर किसी प्रकार से कुछ भी कुरियर करना हो। मान लेते हैं एक पॉइंट है, ये पॉइंट ए दे देते हैं और एक और पॉइंट है बी पॉइंट। अब ये हमारा जो बी पॉइंट है वो डेस्टिनेशन पॉइंट है, यानी कि आप यहाँ रह रहे हैं और यहाँ से कुछ भी आप भेजना चाहते हैं किसके ऊपर, तो बी पॉइंट के ऊपर। तो एक तो यहाँ का स्थानीय पता यानी कि जहाँ से भेजा जा रहा है वहाँ को कोई लोकेशन वगैरह। दूसरी बात कि जहाँ पहुँचना है ये जो पोस्ट है यानी कि ये पार्सल जो है लेटर है, जहाँ पहुँचेगा वहाँ का एड्रेस। तो टोटल आपको कंप्लीट दो एड्रेस लिखना है आपको इनवेलप्स के ऊपर। तो इन दोनों एड्रेसेस को आपको इनवेलप्स के ऊपर लिखना होता है। अब हम लोग चलते हैं इनवेलप्स के ऊपर और किस प्रकार से आपको लिखना है वो बताते हैं। तो देखिए, इनवेलप्स के एक साइड में ये खोलने वाला यानी कि इधर से हम लोग को लॉक करना होता है। तो एड्रेस जो होगा वो आपको इस साइड से नहीं लिखना है, इसको केवल प्लट करके उस साइड आपको एड्रेस लिखना है। अब देखिए, आपको जो एड्रेस लिखना होगा, अब एड्रेस लिखने का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है। इस इनवेलप्स के ऊपर आपको फाइनल एड्रेस लिख करके दिखाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल के लिए यानी कि अलग अलग फॉर्मेट समझाने के लिए मैं फिर से उसी व्हाइट पेपर को लेना चाहूंगा। अब जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा फॉर्मेट के ऊपर। इस प्रकार से आपका इनवेलप्स का एक फ्रंट पेज रहता है। एक और मैं ले लेता हूँ। इस प्रकार से आपका एक और इनवेलप्स है, यानी कि मैं अलग अलग इनवेलप्स मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। जो बहुत कोई एड्रेस लिखते हैं वो बीच में एक लेन दे देते हैं, अपना एड्रेस इधर लिखते हैं, डिस्टिनेशन यानी कि जहाँ पहुँचने वाला है वहाँ एड्रेस इधर लिखते हैं। एक तो ये फॉर्मेट हो गया, एक ऊपर में लिखते हैं यानी कि यहाँ पूरा अपना एड्रेस लिखेंगे, देन यहाँ बीच में उसके बारे में बताएंगे। अभी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ बीच में क्या लिखा जाता है, और आप दूसरे एड्रेस यहाँ लिखेंगे। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसके बारे में हम लोग इनवेलप्स के ऊपर बात करेंगे। एक जो एड्रेस आपका जा रहा है, मैं इसको फिर से लेना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ, आपको बताने में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। इस वीडियो देखने के बाद आप कोई भी कहीं भी किसी तरह से कोई भी इनवेलप्स के ऊपर एड्रेस लिखने में सक्षम होंगे। आप देखिए, जहाँ से ये निकल रहा है, आप तो एड्रेस दो तरीके से लिखेंगे, या तो हिंदी से लिखेंगे या फिर अंग्रेजी से लिखेंगे। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अंग्रेजी से ही लिखें तो बेहतर होगा, हिंदी से भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आपका ये एड्रेस है, ये एड्रेस है, आपका एड्रेस है। तो आपका जहाँ से शुरू हो रहा है यानी कि जहाँ से आप भेज रहे हैं वहाँ का बोलेंगे हम लोग फ्रॉम। क्या बोलेंगे? फ्रॉम। देखेंगे आप कोई भी लेटर वगैरह उठाकर देखिए तो वहाँ लिखा रहेगा फ्रॉम। क्या लिखा रहेगा? फॉर्म लिखा रहेगा। देन जो हमारा डेस्टिनेशन है यानी कि जहाँ पहुँचाना है हमको लेटर, वहाँ तक जाने के लिए टू लगाते हैं, यानी कि जहाँ पहुँचेगा वहाँ टू लगाएंगे। तो ये दोनों फ्रॉम और टू बहुत कोई का कन्फ्यूजन होता है। तो फ्रॉम जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से, और टू जहाँ पहुँचना है वहाँ के लिए, ये दोनों यूज करेंगे। अब हम लोग चलते हैं इनवेलप्स के ऊपर और हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपना एड्रेस लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ आपको फॉर्म डालना है। क्या डालना है? फॉर्म डालेंगे। फॉर्म लिखने के बाद आपको नीचे थोड़ा सा छोड़ना है यानी कि ये पैराग्राफ छोड़ देना है, और उसके बाद नाम लिखना है। कुछ भी नाम हो सकता है, एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम हो सकता है जिस जहाँ से आप भेज रहे हैं, यानी कि आपका भी नाम हो सकता है, आपके फादर्स का नाम हो सकता है, कुछ भी यहाँ हो सकता है। उसके बाद अपना एट लिखेंगे या फिर रेसिडेंट ऑफ यानी कि रेसिडेंट एड्रेस लिखेंगे। एट अपना गाँव का नाम लिखेंगे, शहर है तो शहर का नाम लिखेंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, इसी में यदि पुलिस स्टेशन आ जाता है तो प्लस में पुलिस स्टेशन, यदि अलग अलग आता है तो अलग अलग करके यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। क्या डालेंगे? डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, और डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे, ब्रैकेट में आप उस स्टेट का यानी कि अपने स्टेट का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, क्योंकि जो भी पार्सल होता है यदि रिटर्न आना होता है आपके एड्रेस के ऊपर तो इसी एड्रेस के ऊपर आएगा, और यदि आप कॉन्टैक्ट में आने की आप एड्रेस के ऊपर नहीं होंगे तो आपको मोबाइल नंबर से कॉन्टैक्ट किया जाएगा और फिर आपको डिलीवरी करा जाएगा। और देन लास्ट में अपना पिन नंबर डाल देंगे, पिन कोड जिसे बोलते हैं, जो 6 डिजिट का होता है। मैं यहाँ 00000000 ले रहा हूँ, आपका कुछ भी हो सकता है, 8254 12 8254 15 इस प्रकार से हो सकता है। उसके बाद ये एड्रेस आपका कंप्लीट हो गया, यहीं तक लिखना है।
अब आपको लाइन वगैरह कुछ नहीं देना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाइन वगैरह नहीं पड़ता है। अब यहाँ लिखना है 2। अब देखिए डिस्टेंस यहाँ मेंटेन करते हुए, देखिए यहाँ लिखिएगा 2, क्या लिखिएगा 2। 2 लिखने के बाद आपको कॉमा लगाना है, 2 लिखने के बाद आपको कॉमा लगाना है, देन उस व्यक्ति का जहाँ पर का डिस्टिनेशन एड्रेस होगा उसका यहाँ एड्रेस लिखना है। उसका सेम इसी जैसे लिखेंगे रेसिडेंट एड्रेस, यानी कि रेसिडेंट ऑफ, उसके बाद 8 लिखेंगे और उसका गांव का नाम। यहाँ उसके गांव वगैरह का नाम लिखने के पहले आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना होगा, क्या लिखना होगा, नेम लिखना होगा, जो भी नाम होगा। तो इस नेम वगैरह को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट नाम लिख देंगे XYZ, ये नेम वगैरह नहीं लिखेंगे। उसके बाद एड्रेस लिखेंगे, टोटल एड्रेस जिस प्रकार से मैंने यहाँ भी आपको बताया है, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर देना मस्ट है, यदि है अवेलेबल तो दे दीजिए, नहीं तो वैसे भी आपका पहुँच जाएगा। इस वीडियो के बाद आपको रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट और भी जितने भी तरीके के पोस्ट होते हैं, यानी कि आपको जो माध्यम दिया जाता है भेजने के लिए, तो आपको कौन सा चुनना चाहिए, आपके लिए कौन सा सुलभ होगा और कौन फास्ट है, सारी चीजें के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सेम यही फॉर्मेट यहाँ भी यूज करेंगे, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, उसके बाद पुलिस स्टेशन हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट में ही आप मेंशन कर देंगे यहाँ उसका स्टेट, जिस भी स्टेट में होगा। जैसे यहाँ मान लीजिए कि ये झारखंड से स्टेट है, यानी कि आप झारखंड में रह रहे हैं तो झारखंड लिखेंगे, देन यदि ये अदर स्टेट में रह रहे हैं जैसे बिहार में, तो यहाँ बिहार लिख देंगे और उनका डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ हो जाएगा, XYZ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद सारी चीज़ें एड्रेस इसी प्रकार से लिखेंगे, उनका मोबाइल नंबर डाल देंगे, उनका मोबाइल नंबर डालेंगे, कुछ भी हो सकता है, और फिर आप डाल देंगे पिन नंबर। पिन नंबर यदि आप छोड़ देते हैं तो आपका पोस्ट बीच में ही रह जाएगा, वो नहीं पहुंचेगा। 6 डिजिट का पिन नंबर होता है, उस पिन नंबर को आपको डालना जरूरी है, आपका इधर से भी और इधर से, यानी कि जहां से जा रहा है फ्रॉम से वहां का पिन नंबर, और 2 से जहां तक पहुंच रहा है वहां का पिन नंबर डालना बहुत ही जरूरी है। इधर थोड़ा मोड़ा मिस्टेक होगा चलेगा, इधर थोड़ा मोड़ा मिस्टेक होगा चलेगा, लेकिन पिन नंबर करेक्ट होना चाहिए। और दूसरी बात, व्यक्ति का नाम करेक्ट हो जाना चाहिए। अब यहाँ आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा इस प्रकार से स्पीड पोस्ट का सिंबल होता है, लेकिन ये सब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस एड्रेस को लिखने के बाद क्या करना है, थोड़ा मैं प्रोसेस बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपका ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, तो इस प्रकार से ये एनवॉल्प्स लेंगे, एड्रेस लिखने के बाद इसे यहाँ आप सबमिट करेंगे, यानी कि डालेंगे। इस प्रकार ये डालने के बाद यहाँ आप किसी प्रकार से कोई भी गम वगैरह लगा करके इसे चिपका देंगे। यदि आपका डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, यानी कि कॉपी बना करके रखना जरूरी है, तो आप इसका फोटोकॉपी सबसे पहले करवाएंगे। यहाँ चिपकाने के बाद इसमें थोड़ा सा हवा हो जाता है, तो क्या करेंगे, पेन का कैप ओपन करेंगे और देन एक छोटा सा यहाँ छिद्र कर देंगे, यानी कि छेदा कर देंगे, जिससे क्या होगा, अंदर का हवा सारा बाहर आ जाएगा और कहीं आपका ये यदि फेंका जाएगा या फिर इसके ऊपर कुछ आ जाएगा तो आपका एनवेलप फटेगा नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको आपको ध्यान रखते हुए अपना एड्रेस लिखना है और पोस्ट ऑफिस के थ्रू से पोस्ट करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, बने रहिए अपडेट क्लास के साथ। नमस्कार।